दोस्तों नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार और आप देख रहे हैं अपना उड। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से ब्लॉग वीडियोस और भोजपुरी सिनेमा जगत की खबरें लेके आते रहते हैं। इसी बीच आप सबने देखा ही होगा कि भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री पर कुछ दिनों पहले काफी विवाद बढ़ा हुआ था। अभी उस विवाद को ठंडक भी नहीं मिली थी कि भोजपुरी के जाने माने अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी सिनेमा जगत में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। खेसारी लाल यादव अपने फेसबुक पेज से लाइव आए और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी छवि खराब करने वालों के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। उन्होंने अपने उस लाइव में क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुने। नमस्कार, प्रणाम। हम खेसारी लाल यादव सबके गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं, जितना भी लोग हमके प्यार करेला और जे हमके अपने आशीर्वाद में रख लेगा। बस बहुत दिन से एगो तकलीफ बा कि केहू के गाली दे दहल, केहू के कुछ बोल दहल, केहू के कुछ कह दहल। बंगाल भी इंडस्ट्री बा, साउथ के भी इंडस्ट्री बा, हर भाषा के एगो इंडस्ट्री बा। लेकिन हमके लागत था कि ज़्यादा समझदार हमी के भोजपुरी के ही लोग बा कि हर बात पे केहू के कुछ बोल देवे के बा, केहू खाती कुछ गा देवे के बा, केहू खाती कुछ कह देवे के बा। जहाँ तक ले हम अपना जे हमरा के प्यार कर लोकरा से हम रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते नहीं कि आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके साथ हैं और आप मुझे प्यार करते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बट आप मेरे सपोर्ट के लिए आप प्लीज किसी को गाली ना दें और किसी को भला बुरा ना कहें। और एक और चीज़ मैं सबको बता देना चाहता हूँ, जितने भी न्यूज रिपोर्टर, चाहे वो मेरे सपोर्टर के हों या मेरा बुराई करने वाले लोग, मैं सबसे पहले क्लियर बता देता हूँ। कहाँ है वो मेरा कागज, एक बार दिखा दो सबको। मेरे खिलाफ और मेरे लिए अभद्र बात अगर किसी ने भी कहा, चाहे वो मेरा सपोर्टर है या मुझे प्यार नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये बातें बोल रहा हूँ मैं, सबके लिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी को बांट के बातें कर रहा हूँ, सबकी बातें कर रहा हूँ कि कोई भी आदमी मेरे खिलाफ अगर कोई भी चीज़ मेरे नाम से अगर उसने चैनल को या मेरे न्यूज बनाया, मेरे फोटो डालकर न्यूज बनाया, तो मैं पूरे खानदान को बाट लगा सकता हूँ। ये दिख रहा होगा, ये भारत सरकार का है, ये भारत सरकार का है। जिसको नहीं दिख रहा है भाई, देख लेना एक बार, बढ़िया से देख लेना, जो पढ़े लिखे हैं वो देख लेंगे, इसको हम लोग पब्लिक डाल देंगे। और ऐसे में इसको पब्लिकली करने वाला हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे जो भी हैं और जो भी मेरे पे कोई भी नेगेटिव न्यूज जो भी बनाया, बहुत प्यार करूंगा उसको मैं, इतना प्यार करूंगा कि शायद उस मेरे प्यार से तबाह हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे खिलाफ कोई भी न्यूज हो, चाहे वो कोई भी होगा, मेरा फोटो डालने से पहले और मेरा नाम लेने से पहले एक बार परमिशन प्लीज ले लेना, नहीं तो मैं चैनल को कहां लेके जाऊंगा उसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा। आपके चैनल को उड़ाने में मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा और पूरे खानदान को घसीट दूंगा मैं। तो एक क्लियर जान लो कि मैं पहले आप सबको आगाज कर रहा हूं, और ये आज से नहीं, मेरे पास 2 महीना पहले से पड़ा हुआ है। मेरा नाम लेकर कोई भी लाइव आकर और फालतू गिरी किया, फालतू बातें की, चाहे वो किसी के लिए भी किया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको क्लियर बता रहा हूं आपसे, क्योंकि अब बहुत हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्री है, लेकिन इतना कचरा किसी इंडस्ट्री में नहीं होता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या तो आप सुधर जाइए, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे, तो शायद बहुत बुरा होगा। और हम बिगड़ चुके हैं, अब हम बिगड़ चुके हैं। आपको लगता होगा कि हम सुधरे हैं, तो हम सुधरे, इतने भी हम सीधे नहीं हैं कि आप मुझे कुछ भी कह के चले जाइए और कुछ भी बोल के चले जाइए और हम आपको इसे ही माफ़ करते रहें। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप इनको आकर गाली दो, इनको आकर कुछ बोल दो। आप अपनी बातें रखो, लेकिन उसका तरीका रखो, उसकी सलीनता रखो। किसी को माँ बहन की गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर कोई भी मेरा फैन आपको गाली दे रहा है, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे गाली दो।
ये पहले क्लियर ये भी कह रहा हूँ आपको, आप उससे निपटो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो जैसा करता है वैसा भरेगा। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा आदमी गाली दे रहा है और आप मुझ पे बरसोगे ना, तो क्या करूं मैं यार, अब कितना प्यार करूंगा आपको भी पता है, मैं गलत चीजों का बढ़ावा नहीं दे सकता। और मैं जितने यूट्यूबर हैं जो न्यूज बनाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, मैं उनसे क्लियर बोल रहा हूं कि कोई भी चीज मेरे नाम से निगेटिव आपने अगर कोई पब्लिसिटी किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, ये क्लियर जान लो। आप मेरा न्यूज मत बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके न्यूज से मेरी जीवन नहीं चलती है, मेरे गायकी के बदौलत चलती है। मैं अच्छा गाता हूँ तो दुनिया सुनती है, मैं अच्छा नाचता हूँ तो दुनिया देखती है। ये जब न्यूज नहीं था तो क्या मेरा अस्तित्व नहीं था? मेरा जितने भी गाने पहले हिट हुए थे तो आपके न्यूज की बदौलत तो हुए नहीं भाई। और प्लीज अब बर्दाश्त से फाजूल हो रहा है, हर चीज का सफाई मैं आकर दूं ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है? आप किसी को भी कमेंट में किसी को भी आप गाली देंगे उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। और मैं जहां तक खास करके मैं क्लियर बोल रहा हूं, मेरे प्रति अगर किसी ने भी कोई निगेटिव न्यूज डाला या मेरा फोटो या मेरा नाम यूज किया, तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। आज से देख लो, ये मैं पूरा इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से मैं अपनी सारी चीजों को रजिस्टर्ड करा के इसीलिए 2 महीने पहले मंगाया हूं। फिर एक बार आपको दिखाता हूं, ये देख लो, जो नहीं देखे उनके लिए है ये। कोई भी न्यूज मेरे खिलाफ किसी ने भी बनाया मेरे नाम के खिलाफ, मेरे चेहरे के खिलाफ, तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं। उसके लिए 2-4-5-10-20-25 लाख रुपया खर्चा कर दे बाबू, अब हमारा कर हूँ के ना परी। ऑलरेडी हमके इंडिया सरकार इंडिया गवर्नमेंट दे दे बा कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हर जगह अपना लेटर रखा हूँ और इसीलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ताकि ये हर जिला में मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँ कि ऑलरेडी मैंने आगाज कर दिया था, इसके बाद ये चीज़ें हुई है, ठीक है? तो लव यू ऑल। तो दोस्तों आपने देखा कि खेसारी लाल यादव किस तरह से भड़के हुए हैं उन सभी लोगों पे जिन्होंने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। और ये उनकी नाराजगी सही भी है, क्योंकि एक कलाकार को अपने आप को तैयार करने में, अपने आप को स्थापित करने में काफ़ी मेहनत लगती है, और उस छवि को अगर कोई यूं ही खराब करे तो किसी को भी बुरा लगेगा। हम सभी को भी चाहिए कि अगर किसी के बारे में हमें पूर्ण सच्चाई नहीं जानकारी हो तो उसकी छवि को खराब करके अपने चैनल और अपनी वीडियोज़ के व्यू को ना बढ़ाएं। हम सभी को चाहिए कि कोई अगर अच्छा करे तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और अगर गलत करता है तो सबूत के साथ जनता के सामने पेश करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे आपको नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।